आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो यूपी राजस्थान समेत देश के इन राज्यों में बदला है मौसम। बारिश से उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वह राजस्थान के कई शहरों में कल यहां पर तेज बारिश हुई है, इससे चलते यहां पर सर्दी बढ़ गई है। वह मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज भी देश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उदयपुर में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा चित्तौड़ और अजमेर जिलों में और सिरोही जिले में भी यहाँ पर कई इलाकों में बारिश यहाँ पर कल तेज यहाँ पर देखने को मिली है। वह उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भी शनिवार को बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। वह मौसम विभाग के मुताबिक आगरा, मथुरा और प्रयागराज इलाकों में, इसके अलावा ललितपुर और झांसी और आदि इलाकों में यहाँ पर जो आदि इलाके हैं इनमें भी यहाँ पर बारिश कल यहाँ पर दर्ज हुई है। वही वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़, लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम आज शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर से उत्तर प्रदेश के अंदर शीतलहर शुरू हो सकती है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से तेलंगाना के कुछ इलाकों में यहाँ पर पूरे सप्ते तक यहाँ पर बारिश का असर यहाँ पर जारी रहेगा। वही हैदराबाद मौसम विभाग की ओर से हैदराबाद के मतलब तेलंगाना राज्य के यहाँ पर नालागोड़ा और यदाद्री समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर कई परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर भी लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है, इसके कारण लोग यहाँ पर यानी जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हुआ है। वही गुजरात में भी यहाँ पर बारिश अब जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात में भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु रॉयल सीमा में मध्यम से भारी बारिश से व्यस्त होने पर कुछ इलाकों में तेज बारिश तो कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश दक्षिणी तट और कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश पिछले 24 घंटों में हुई। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा कुछ हिस्सों में और केरल के कुछ हिस्सों में और तटीय आंध्र प्रदेश और बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा लक्षद्वीप और तेलंगाना तटीय कर्नाटक में भी हल्की बारिश पिछले 24 घंटों में यहाँ पर हुई है। वही आने वाले 24 घंटों में रॉयल सीमा कुछ हिस्सों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बात करते हैं अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। राजस्थान में मौसमी परिवर्तन के चलते मेघ गर्जन के साथ बारिश यहाँ पर हो रही है। वही सुबह और रात के साथ साथ दिन में भी अब सर्दी का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मावट के साथ ही पारे में लगातार गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कल यहाँ पर सुबह यहाँ पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। वहीं जयपुर में सुबह का पारा 17 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं फतेहपुर का बीते दिन का पारा 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं बीते दिन उदयपुर संभाग कुछ इलाकों में बारिश होने की यहाँ पर होने से पूरी तरह से मौसम का मिजाज उदयपुर संभाग में यहाँ पर बदल गया है। वहीं फतेहपुर, पिलानी और शिखर चूरू में पारा अभी 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं माउंट आबू सहित अन्य जगहों पर भी कोहरा छाने से शिमला जैसा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं अजमेर के केकड़ी में बीते 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। वह बारिश से किसानों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। वहीं अजमेर जिले और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, बारा बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, राजसमंद, टोंक और सिरोही और उदयपुर जिलों में बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में रात के तापमान में कमी, यहां पर नमी के रात के तापमान नमी के स्थान पर बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई, यानी रात के तापमान है जो इन जिलों में कमी की वजह यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पश्चिम विक्षोभ भी उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर प्रभावी हो रहा है। इसके कारण राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। इधर अरब सागर की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम विक्षोभ भी राजस्थान पर प्रभावी नजर आ रहा है।
इसी कारण समूचे राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के यहाँ पर सूखे भाग में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। वहीं पूरे यहाँ पर इन इलाकों में यहाँ पर जो पारा है वो भी यहाँ पर कम होता दिख रहा है। वहीं कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर प्रभावित ये पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है, जिसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानसून यानी मौसम में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिख रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में आज इस बारिश का दौर रहेगा। हालांकि यहाँ पर आज दिन में यहाँ पर या शाम तक कुछ इलाकों में इस मौसमी तंत्र का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। हालांकि ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा समेत कुल 24 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी जयपुर और जोधपुर में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों की बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर नवंबर महीने में इस जिले में बारिश का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। इसके अलावा उदयपुर के अलावा यहाँ पर डबोग एयरपोर्ट पर 77 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। कोटा में भी 9.4 और चित्तौड़गढ़ में 21 mm और सवाई माधोपुर में 1 mm और बूंदी में 7 mm और सिरोही में 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारा के आंता में 5.5 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिनों तक बना रहेगा बेमौसम बारिश का ये मौसम। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अब शुरू होगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कुछ इलाकों में हुई बेमौसम बरसात से यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वही कई शहरों में यूपी में कल सुबह हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है। इसके चलते सर्द और गलन यहाँ पर बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में हो रही इस बेमौसम बरसात की वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है और अरब सागर में साइक्लोन का बनना है। वही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 1-2 दिन तक आसमान उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। वही प्रदेश में हो रही इस बेमौसम बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस बारिश से किसानों को दिक्कत पैदा हो यहाँ पर गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगरा, मथुरा से लेकर प्रयागराज तक इलाकों में, जिनमें कानपुर, ललितपुर और झांसी, महोबा में आदि में बरसात यहाँ पर हो सकती है। जबकि वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ और आसपास के इलाकों में अब यहाँ पर मौसम शुष्क रहने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर से गलन और शीतलहर यूपी के अंदर शुरू हो सकती है। वहीं सुबह उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं प्रदेश के कुछ जगहों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और भी हो सकती है। आने वाले दिनों में 3 से 4 दिन हार्ड कपाने वाली ठंड का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है। मतलब 3-4 दिनों से यहाँ पर हार्ड कपाने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वे मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल सर्दी की दस्तक अक्टूबर में हो गई थी। वही तापमान में लगातार आ रही गिरावट के चलते कोहरा भी पड़ना यहाँ पर जल्दी शुरू हो गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी समय से पूर्व ही इस बार शुरू हो चुकी है। वह शीतलहर और कोहरे के दिन में भी यहाँ पर मतलब कोहरे के कारण दिन में भी साल का अधिक यहाँ पर कोहरा रहने के आसार है। वहीं मौसम विज्ञानी के मुताबिक इस समय उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी हवाओं का टकराने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान और गुजरात कुछ हिस्सों में बारिश चल रही है। वहीं दिल्ली में अक्टूबर के अंत में रात का तापमान 58 साल में सबसे कम यहाँ पर दर्ज किया गया था। वहीं पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 1 हफ्ते ही ठंड और गलन का असर यहाँ पर पहले शुरू हो गया है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ही ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटों में बारिश पड़ेगी कपकपाने वाली ठंड। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। वह गुलाबी ठंड के बीच नवंबर के महीने में बूंदाबांदी का दौर चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ पर ठंड बढ़ने के आसार है। वही अरब सागर में बने साइक्लोन के कारण मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश यहाँ पर हो रही है। 2 दिन से पहले यहाँ पर बारिश होने लगी थी, अभी भी हो रही है। वही मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान यहाँ पर जारी किया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर से लेकर राजस्थान तक एक ट्रिप रेखा यहाँ पर बनी हुई है, इससे प्रदेश के जिलों में बारिश यहाँ पर हो रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले यहाँ पर 24 से 48 घंटों में प्रदेश के 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना और श्योपुर और नीमच, मंदसौर, बैतूल और टीकमगढ़, छतरपुर, निवेड़ी और यहाँ पर निवाड़ी और इसके अलावा सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी, बालघाट में यहाँ पर जो बालाघाट है वहाँ पर और मंडला जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश होने से कोहरा यहाँ पर छा सकता है और ठंड में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वह मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के अंदर मौसम यहाँ पर मुख्यतः कुछ इलाकों में साफ रहेगा। भाई
16 घंटा प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चलेगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवा चलेगी, जिससे ठंड बढ़ने का अनुमान है। वहीं अगर बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के चंबल संभाग के कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश दर्ज हुई है। वैसे संभागों में मौसम शुष्क रहा है। प्रदेश में सबसे कम तापमान रीवा में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहां पर किया गया, जो कि एमपी के अंदर सबसे कम तापमान है। यानी एमपी का रीवा मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे ठंडा स्थान रहा है। यहां पर तापमान सबसे कम यहां पर 14 डिग्री के आसपास रहा है। बात करते हैं गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की, तो गुजरात के कई जिलों में बेमौसम बारिश का कहर, आज भी कई जिलों में बरसात की है संभावना। गुजरात में इन दिनों बेमौसम बारिश हो रही है। वही कल राज्य के कई इलाकों में लगातार बारिश होती रही है। बनासकांठा और इसके अलावा पाटन, साबरकांठा, कच्छ समेत उत्तरी गुजरात के जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा नर्मदा और दक्षिणी गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिलों में बेमौसम बारिश कल भी यहाँ पर जारी रही। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज जन रविवार को इस तरह के बेमौसम की बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात के कई जिलों में आज भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। वही बेमौसम हो रही बारिश की वजह से पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र से जुड़ा चक्रवात माना जा रहा है। वही बनासकांठा के पालनपुर में सबसे ज्यादा 64 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही पटना में जो उनका पाटन क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ पर 57 एमएम और सरस्वती में 53 और वापी के वलसाड़ में 52 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं सभी तालुकाओं में 50 एमएम से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वे कल शाम तक गुजरात के कुल 56 तालुकों में बेमौसम बारिश हुई है।